पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का सराहनीय कार्य, नेत्रदान और अंगदान के लिए आगे आई बेटियां, ददीची देहदान समिति के जरिए लिया गया संकल्प, दोनों बेटियों ने अंगदान का संकल्प लिया है, कृति और श्रीजा है त्रिवेंद्र सिंह रावत की बेटियां। समिति के अध्यक्ष डॉक्टर मुकेश गोयल रहे, हालांकि ये बहुत बड़ा काम है और सराहनीय काम भी किया जा रहा है, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत की बेटियां जिनका सराहनीय काम, नेत्रदान और अंगदान के लिए बेटियां आगे आई हैं, नेत्रदान भी और अंगदान के लिए भी उनकी बेटियां, दोनों बेटियां आगे आई हैं। ये देखिए तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं उनकी दोनों बेटियां, आपको दिखा रहे हैं हम। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। त्रिवेंद्र सिंह जी बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद धन्यवाद। आपकी दोनों बेटियां, इतना सराहनीय काम जी, क्या कहेंगे? आज जी, आज उत्तराखंड जो राज्य हमारा उसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी की भी आज ही के दिन घोषणा हुई थी। बिल्कुल। और 3 साल हो रहे हैं तो मेरी दोनों बेटियां कृति और श्रीजा जी, बड़ी वाली फैशन डिजाइनर है, छोटी वाली जो है वो एडवोकेट है जी। तो आज हम लोगों ने विचार किया कि भाई हमको अंगदान करना चाहिए जी, और दोनों बच्चों ने बड़ी खुशी से, पापा बहुत अच्छा है जी, तो हमको एक काम करना चाहिए, तो दोनों ने आज हम साथ में फार्म भरे और ये तय किया कि भाई जब इस तरह की कोई बात होगी तो हम लोग अपना अंगदान करेंगे ताकि कुछ लोगों को जीवन दिया जा सके। त्रिवेंद्र सिंह जी, ये सिर्फ उत्तराखंड के लिए प्रेरणा नहीं है बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा है ये तो जी। अब जी देखिए, हमारे देश में जी जितने भी हमारे मेडिकल कॉलेजेज हैं जी, उनमें जो जितनी बॉडीज की आवश्यकता है उतनी होती नहीं है जी, और इसलिए हम चाहते हैं कि भाई लोग इससे प्रेरित हों, लोग इसमें इस चीज को समझें कि हम केवल देहदान नहीं कर रहे हैं बल्कि हम कई डॉक्टर्स तैयार कर रहे हैं जी, कई लोगों को जीवन देने का काम कर रहे हैं। कोई प्रेरित हो तो बहुत अच्छी बात है। श्रीलंका जैसा छोटा देश आई डोनेशन में नंबर एक स्थान रखता है जी, जिसकी आबादी केवल 56 लाख के करीब है, उत्तराखंड से एक तरह से आधी आबादी है जी, तो क्यों ना हम ऐसा कुछ करें ये सोचकर। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, सर आप खुद मुख्यमंत्री रहे हैं, आप खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं, आपने बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाई है और उस जिम्मेदारी को निभाने के बाद अगर आपके बच्चे ये काम करते हैं, आपका नाम रोशन होगा, पूरा देश इससे प्रेरित होगा जी। जी देखिए, ये तो इन सब चीजों के थोड़ा सा मोटिवेट भी करना होता है परिवार को, बच्चों को, और काफी दिन से हम लोग विचार कर रहे थे जी, और फिर आज का दिन उपयुक्त समझा तो हमने आज इसके लिए अपनी स्वीकृति दी है। सर क्या आशा करते हैं उत्तराखंड वासियों से, पूरे देशवासियों से, उनको क्या करना चाहिए? देखिए, उत्तराखंड तो देश के लिए कुछ भी देने को सदैव तत्पर रहता है। हमारे यहाँ से इतनी बड़ी संख्या में लोग सेना में जाते हैं और वो जीवन दान करने को तैयार रहते हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस की जरूरत है वो भी पूरी होगी। हमारे अच्छे चिकित्सक, अच्छे सर्जन इसमें से सीख करके आगे निकलेंगे, और उत्तराखंड भी एक अपना एक महत्वपूर्ण योगदान इसमें कर सके। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, सर बिल्कुल सर, देश की बेटियों से क्या उम्मीद करते हैं आने वाले समय के लिए, भविष्य के लिए? मैं मानता हूँ कि जो बेटियां हैं जी, ये सब कुछ करने में सक्षम है बिल्कुल, और उनको थोड़ा सा प्रोत्साहन की जरूरत है जी, उनको थोड़ा सपोर्ट की जरूरत है, और उनको
माता पिता का उनको सहयोग चाहिए जी, और बेटियां कहीं भी पीछे नहीं रहने वाली हैं, ऐसा हमारा मानना है। और मैं देखता हूँ कि जब हमने एक बार ब्लड डोनेशन की शुरुआत करी थी बिल्कुल, बिल्कुल। में, तो बेटियां वहां पर थी नहीं, लोग भी पुरुष भी तैयार नहीं थे, मुश्किल से 4-5 लोग हम तैयार कर पाए थे जी। और आज हमारे पास सैकड़ों ऐसे लोगों की संख्या है कि जो हर तीसरे महीने में रक्तदान कर रहे हैं। तो अब लोग धीरे धीरे मोटिवेट होते हैं। मुझे लगता है कि ये जो अंगदान का जो कार्यक्रम है, ये भी जो भविष्य की जो जरूरत है हमारी, हमारी मेडिकल कॉलेज। सर एक और आखिरी सवाल आपसे होगा, ये बेटियों की इच्छा थी, आपका कितना सहयोग मिला? नहीं, मैंने बेटियों से तो एक बार कहा, वो एकदम तैयार हो गई। हाँ। बहुत अच्छा, हम भी इसको करेंगे। परसों ही ये बात थी, 2 दिन पहले जी, और उन्होंने अपनी सहमति दी, बेटियों ने भी मेरा हौसला बढ़ाया जी, और दोनों बड़ी खुशी से उन्होंने सब कुछ किया है। मेरी बेटी बैठी है मेरे पास में जी। जी जी, शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया त्रिवेंद्र सिंह रावत जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाने के बाद प्रदेश की, उसके बाद आपकी बेटियों का ये फैसला, ये प्रेरणा स्रोत है। पूरा देश इससे प्रेरणा लेगा, उत्तराखंड इससे प्रेरणा लेगा, और उत्तराखंड की जो बेटियां हैं, देश भर की जो बेटियां हैं, वो बढ़ चढ़कर आगे आएंगी। बहुत शुक्रिया सर।